जी अस्सलाम वालेकुम तमाम दोस्तों का उम्मीद है कि अब सब खैरियत से होंगे पाक हर्बल स्पोर्ट चैनल पर आप सबको खुश आमदेद आज हम पहले दोस्तों ने बहुत सारे सवाल और जवाब जो, जो पर्सनल में लिखे हैं उनका जवाब देने का एक मैंने कोशिश की है और इसी तरह बहुत सारे जो लोग होते हैं वो जानना चाहते हैं कि ये सीधी सीधी जो नब्ज़ होती है और उसमें और जो दूसरी नब्ज़ होती है उसमें क्या फ़र्क है तो आज हम तरीक़ाकार तो वही है जो मैंने पहले उजलाती उज़लातीसाबी में या असाबी उजलाती में बताया तो अब जो तरीक़ाकार इसको हम जानेंगे इसका हजम कितना कितना बढ़ चुका है तो ये बहुत ज़्यादा थोड़ा सा मेहनत तलब काम है इसमें उकताना नहीं थकना नहीं अगर आप जल्दी थक जाएंगे तो ये सीखेगा कौन तो इन ताला सभी दोस्त इस पर मेहनत करेंगे जिन लोगों को ये हुनर आता है या इलम आता है उनके लिए तो मुश्किल नहीं है लेकिन हमारे तुम्हारे लिए मुश्किल है तो ये बहुत ही आसान है आज हम सीखेंगे कि जो ताकत वाली यानी कूत वाली नब्ज़ की पहचान है वो किस तरह हम कर सकते हैं तो ये आप देख रहे हैं कि कमज़ोर नब्ज़ की पहचान ठीक है तो यहाँ पर जो आपको लाल रंग का एक टिमकना सा नज़र आ रहा है ये दोनों उंगलियों के नीचे है लेकिन ये बिल्कुल छोटा है और ये वाला जो कुवत वाली नब्ज़ की पहचान है आप देखेंगे तो ऊपर जो लाल रंग का एक दाग नज़र आ रहा है वो बड़ा है तो हम सॉरी हम ये जानेंगे कि ये असल में कुत इसकी कैसे पहचानी जा सकती है जब तक नब्ज़ चलती है इंसान की ज़िंदगी जो है वो चलती है जब नब्ज़ बंद हो जाती है तो इंसान की ज़िंदगी भी ख़त्म हो जाती है नब्ज़ को जानना ऐसे है जैसे रूह को जानना और रूह की असल हकीकत को जानना तो जब रूह में ताकत होगी वजूद में कुवत होगी तो यहाँ पर ही नब्ज़ चलेगी जिस जगह पर मैं आपको ये क़वत वाली नब्ज़ की पहचान करवाने की कोशिश कर रहा हूँ तो ये दोनों उंगलियों के नीचे उभरी हुई भरी हुई नब्ज़ और ताकतवर ठोकर लगाएगी तो ये समझ लें कि इसमें क़वत अभी बाकी है अगर इसमें क़वत कम हो जाएगी तो ये नीचे की तरफ जाने लगेगी और ये कमज़ोर हो जाएगी और हल्का सा दबा देने से भी ये नीचे दब जाएगी और जिस तरह कि इस खाके में आप देख रहे हैं कि यहाँ पर जो नब्ज़ है वो एक तो बरक़ है और दूसरे नंबर पर उसमें कमज़ोरी भी वाक़ है तो ये जब आप अच्छी तरह जब आप अच्छी तरह इसकी पहचान कर लेंगे तो ये मुश्किल कोई भी काम नहीं तो आपको इलम होना चाहिए कि ये कमज़ोर नब्ज़ है और ताकत वाली कौन सी नब्ज़ होती है तो ताकत वाली नब्ज़ जो वो होती है जो ज़ोर से ठोकर लगाए और भरी हो और ताकत में पूरी हो कवी हो यानी कि इसमें इनशाला आगे जाके हम पढ़ेंगे कि इसका जो हजम होता है यहाँ इसका जो वक्फा होता है वो कितना होना चाहिए और कितना वो ठीक है वो भी हम तीन तरीकों से देखेंगे तो यहाँ पर हम जो नब्ज़ देख रहे हैं एक कवि देख रहे हैं और दूसरी जो है वो कमज़ोर देख रहे हैं यानी एक ताकतवर देख रहे हैं और दूसरी वो कमज़ोर देख रहे हैं तो यहाँ पर जो नब्ज़ आपको लाल रंग का एक निशान नज़र आ रहा है ये कवि ताकत है यानी ताकत वाली नब्ज़ है यानी कि मरीज़ के जिसम में अभी तक बीमारी होने के बावजूद भी उसके जिसम में ताकत वत बरकरार है तो जो कि इस जगह पर आप देख रहे हैं तो ये पर हम देखेंगे तो इसमें जो कमज़ोरी वाली नबस है वो बिल्कुल वीक हो जाएगी कम हो जाएगी और हजम उसका भी कम हो जाएगा यानी कि वो जो ये वो चीज़ें हैं जो मेरे ताती तजर्बे में हैं मैं उसी तजर्बे के बिना पर आपको बता रहा हूँ यह कोई बहस नहीं है ये हकीकत है अगर आप इस पर तजर्बा करके देखेंगे तो मरीज़ की जो क़वत होती है वह कम हो जाती है जब इस जगह पर यानी यहाँ पर जो क़वत वाली नब्ज़ की पहचान है ये तो आपको बखूबी अब तक समझ आ जानी चाहिए यहाँ पर जो कमज़ोरी वाली नब्ज है यहाँ जब कमज़ोरी वाली नब्ज़ को हम देखेंगे तो अक्सर अवात जो बहुत सारे जो मरीज़ होते हैं जिनकी नब्ज़ बिल्कुल कमज़ोर हो जाती है वो थकन घबराहट बेचैनी और किसी जगह पर के ना बैठना और हर जगह पर परेशान बैठना और ज़्यादा सोचना ये तमाम चीज़ें उसके अंदर आ जाएंगी तो यहाँ जो के आ, कुवत वाली नब्ज़ होगी अक्सर ये भी होता है कि पेट अगर गैस से भर जाए या उसमें जो फासद मादे रुकने शुरू हो जाए तो तब भी ये कभी नब्ज़ हो जाती है तो जो कि कभी नब्ज़ होते हैं इसी में अक्सर अकात लोगों का रुझान खुश मिजाज रखना अपने आप को बेहतर रखना और खाने पीने की तरफ तोज्जो ज़्यादा इसी मुनासब कमज़ोर नब्ज़ में ये नहीं होता तो ये समझने की कोशिश है कि हम जो इस नब्ज़ को पहचानेंगे तो असल हकीकत यही है तो इसी तरह हम कमज़ोर नब्ज़ की आज जो कि हमने नब्ज़ को देखा और पढ़ लिया और इसी तरह ताकतवर और कमज़ोर दोनों नफ्ों को हमने अच्छी तरह पहचान लिया तो ये हमारे लिए जो कि उजलाती असाबी वो एक वो भी एक मुकम्मल इलम है और इसी तरह ये भी एक मुकम्मल है अभी आपने उसकी पहचान की है कि यहाँ पर उजलाती है यहाँ पर असाबी है यहाँ पर उर्दी है तो अभी आगे जाकर इसकी जो बारीकियाँ हैं उनको नोट करना है तो यहाँ आप देख रहे हैं ये क़वत वाली नब्ज़ और ये कमज़ोर नब्ज़ है तो जैसा कि इसके अंदर जो मैंने किताब के अंदर जो लिखा है वो बहुत सारी इनकी जो अभी मैं यहाँ पर इस वीडियो में तो नहीं सभी बता सकता क्योंकि वो बहुत लंबी वीडियो बन जानी तो यहाँ पर मैंने असल हकीक़त से पर्दा उठाने की कोशिश की है तो यहाँ आज हमने देखा कि क़त वाली नब्ज़ कैसे चलती है और कमज़ोर नब्ज़ कैसे चलती है तो इन दोनों को हमने जान लिया अब चलते हैं उस चीज़ के ऊपर जो कि आपको बेसिकली सही समझ आने तो ये बार, बार बार बात करने का मकसद यही होता है कि जो तलब इलम होते हैं उनको सीखने में मदद मिले तो ये कमज़ोर नब्ज़ यानी बिल्कुल बरीक सी चलेगी दोनों उंगलियों पर और जो कि दूसरी है वो भरी हुई हो होगी वो ज़्यादा कवि होगी ये वाली भी ज़्यादा कवि है और जो दूसरी वाली है वो ज़्यादा कमज़ोर है तो बताने का मकसद यही है कि कमज़ोर में मरीज़ का हाजमा कमज़ोर हो गया ग़ज़ा की तरफ से उन्हें उसने मुंह मोड़ लिया और ग़ज़ा हज़म नहीं हो रही वजूद के अंदर जो ताकत यानी कि साल क़्लतें बननी चाहिए वो बन नहीं रही साल खून नहीं बन रहा और इसी तरह वो उसमें कमज़ोरी का गलबा हो रहा है अभी वो ताकत वाली नब्ज़ है यहाँ पर मरीज़ जो है वो खाया पिया हज़म कर रहा है जिसमें क़वत मौजूद है और हर अज़ा जो है वो मकम्मल तौर पर काम कर रहा है उसकी एच जो है वो भी बेहतर है और इसी तरह उसके अंदर जो कुत है वो ज़्यादा कभी है और इसी तरह तमाम जिसम को जो खून की एक सप्लाई ज़रूरी चाहिए वो मिल रही है तो इन तमाम चीज़ों को आपने नोट रखना है क्योंकि मैं आज दो चीज़ें आपको बता रहा हूँ एक तो कभी नबस क्या है और इसी तरह कमज़ोर नब्ज़ क्या है अभी आगे जा के हम ये सीखेंगे कि इसके अंदर जो वक्फा होता है यानि कि जो इसकी धड़कन होती है उसके अंदर कितना वक्फा होना चाहिए फिर इसके बाद हम बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो पढ़ेंगे जो आगे जा के हमें काफ़ी चीज़ें जो मददगार साबित होंगी कहने का मकसद ये है कि अगर नब्ज़ एक दफ़ा धड़कती है तो उसके अंदर वक़ा कितना होना चाहिए और दूसरा वकफा कितनी देर चाना चाहिए तो इसी तरह जब आप जिन लोगों के गुर्दे ख़राब होंगे वो देखेंगे उनकी नब्ज़ बहुत ज़्यादा तेज़ चलती है और इसी तरह अक्सरों का जो भाग कर रहते हैं उनकी नब्ज़ ज़्यादा तेज़ चलती है ये वो जो भी इनमें अंदर हम देखेंगे तो ये हम नोट करेंगे कि इसके अंदर वकफ़ा कितना होना चाहिए यानी कि नब्ज़ के धड़कन का ये भी एक असूल इलाज होना ज़रूरी है और ये भी आपके जहन में बैठना चाहिए तो फिर से मैं दोहरा दूँ कि ये बहुत आसान तरीका ये क़वत वाली नब्ज़ है इसकी पहचान आपको हो गई अब जो कमज़ोर नब्ज़ है वो भी मैंने बता दी कि वो जो बिल्कुल बरक सा टिमकना नजर आएगा अभी यहाँ पर जो लाल रंग का टिमकना नज़र आ रहा है ये भारी है और मज़बूत है अभी आगे वाली जो नब्ज़ में हम देखेंगे ये देखें ये कमज़ोरी वाली नब्ज़ है तो ये जो बिल्कुल कमज़ोर है और इसी तरह आ, इन चीज़ों को नोट कर लें तो इन शाला तला आगे जा के आपको मरीज़ की क़वत और उसकी कमज़ोरी का भी पता चल जाएगा तो उम्मीद करते हैं कि आज की जो एक नब्ज़ के ऊपर थोड़ा सा समझाने की कोशिश की है इन शाह आपको समझ आ जाएगी तो ये कमज़ोरी वाली नब्ज़ है और ये इसे पहचान लें मरीज़ के अंदर बीमारी बढ़ रही है और कमज़ोरी की हालत में मरीज़ के अंदर बीमारी बढ़ेगी और इसी तरह उसके अंदर कोशिश करें कि कित वाली ताकत वाली को गज़ा का इस्तेमाल करें और इसके अंदर क़वत पैदा करने की को कोशिश करें तो इससे मरीज़ की बेहोशी मरीज़ की परेशानी में कमी आएगी अगर ताकत वाली नब्ज़ है तो वो तो ठीक तो है लेकिन अगर कमज़ोरी ज़्यादा हो जाएगी तो मरीज़ की जान भी जा सकती है तो लिहाजा इन चीज़ों पर गौर वफिक्र करना बहुत ज़रूरी है तो उम्मीद करते हैं कि दोस्त अब आप चैनल को सब्सक्राइब शेयर लाइक ज़रूर करेंगे और दूसरे दोस्तों तक इसका इलम को ज़रूर पहुँचाएँगे और इन शाह तैयार करीब पूरी कोशिश है कि तखलिक कायनात जो किताब है वो दोस्तों का तक जरूर पहुंचे तो ये तमाम खाके जो हैं वो तखलिक कायनात किताब में दर्ज किए बहुत शक्रिया असल